Assalamu alaikum. Welcome back to Nazia's Cook House. Today's recipe is about coffee. Hum banane ja rahe hain homemade cappuccino and I am sharing a super easy recipe. So let's get started. Yahan main le rahi hu Nescafe. Aap kisi bhi brand ki coffee le sakte hain aur saath mein le rahi hu raw sugar, warm water. Ab ek mixing bowl mein hum add kar lenge 1 tablespoon raw sugar. और मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून कॉफ़ी, 2 टीस्पून वार्म वाटर डाल के हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे. आप स्पून यूज़ कर सकते हैं, विस्क यूज़ कर सकते हैं, बट टू ईज़ द प्रोसेस मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर ले रही हूँ. और बीच में आप साइड स्क्रैप कर लें अच्छे से एंड देन कंटिन्यू बीटिंग द कॉफ़ी. बिल्कुल स्मूथ सा आपको पेस्ट बनाना है इस तरह से. तो मुझे तकरीबन 5 मिनट यहाँ पे लग गए थे. इसके बाद गाइस हम ले रहे हैं यहाँ पे फुल फैट मिल्क और इसे कर लेंगे हम बॉयल. वो जैसे ही बॉयल हो तो हमें इसे स्लो फ्लेम पे 2-3 मिनट पकाना है, थोड़ा सा ये मिल्क डेंस सा हो जाए. अब गाइस हम बना रहे हैं कॉफ़ी. तो एक कप में मैंने 2 टीस्पून ऐड कर लिया कॉफ़ी पेस्ट और हाफ मिल्क डाल के हम इसे हल्का सा हल्के हाथ से चला लेंगे. देन हम कर लेंगे लेवल अप. और लेवल अप करके थोड़ा सा सरफेस को आप स्मूथ कर लीजिए विद अ स्पून एंड देन वी विल स्टार्ट डेकोरेटिंग. मैं यहाँ पे ले रही हूँ हर्शेस का चॉकलेट सिरप. आप कोई सा भी चॉकलेट सिरप ले लें, इवन होममेड चॉकलेट सिरप लेके आप उसे पाइप कर लें एंड इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं. यहाँ पे मैं मिल्क फ्रॉथ ऐड कर रही हूँ सेंटर में. इट्स लाइक वन वे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं. आप यू कैन यूज़ योर क्रिएटिविटी, किसी भी तरह से आप डेकोरेट करें. अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप डिस्पोजेबल सिरिंज का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं. तो गाइज दिस इज़ अ सिंपल एंड ईजी रेसिपी. सो डू ट्राई इट एंड पोस्ट योर फीडबैक कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. टेक केयर, कीप वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.